कल्पवासियों के बीच कट्टरपंथी गैंग, धर्मांतरण सिंडिकेट, इंटरनेशनल रैकेट, दुबई से फंडिंग, जबरन धर्मांतरण की साजिश, माघ मेले में ठेला, धर्मांतरण का खेला। प्रयागराज में जारी माघ मेले में कैसे धर्मांतरण के इंटरनेशनल साजिश चल रही है वो जानकर आपके होश उड़ जाएंगे। ये दोनों लड़के कभी हिंदू थे, अब इन्होंने मुस्लिम धर्म स्वीकार कर लिया है। तो ये लड़के ठेले पे धार्मिक पुस्तकें बेच रहे थे। कुछ बुक्स इनकी थी जो मुस्लिम धर्म से रिलेटेड थी, कुछ बुक्स इनके पास अच्छी खासी तादाद में है जो हिंदू धर्म से रिलेटेड हैं। उसमें उन्होंने हिंदू धर्म ग्रंथों के जो श्लोक हैं उनकी परिभाषाएं अपने ढंग से की हैं और गलत परिभाषाएं की हैं, इससे किसी की भी धार्मिक भावनाएं आहत हो सकती हैं। पुलिस को हिंदू धर्म विरोधी किताबें बेचने वाले इस गिरोह की खबर लगी तो छापेमारी की गई। 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया और पूछताछ में कई चौंकाने वाले खुलासे हुए। ये बुक्स वहां बांट रहे थे और उसी जिसको ये बुक्स फ्री में देते थे उनकी फोटो खींच लेते थे और वो फोटो अपने जो तीसरा आदमी है महमूद गाजी जिसे इन्हें बुक्स उपलब्ध कराता था उसको भेजते थे। अब वो अपने दूसरे बंदे को अबू धाबी में भेजता था फोटोग्राफ है, वहां से इनको फिर आर्थिक सहायता 10,000 रुपए के रूप में एक बार में वो मिलती थी, उससे पुस्तकें छपा के ये बंटवा रहे थे। उद्देश्य क्या था? कुछ उद्देश्य इनका ये था कि वहां बंटवा के और कुछ लोग जो सॉफ्ट टारगेट हैं उनको उनसे संपर्क किया जाए, उनको फिर कन्वर्जन के लिए तैयार किया जाए। यानी अबू धाबी से धर्मांतरण का काला खेल चल रहा है और झांसे में लेकर लोगों का धर्म परिवर्तन करवाया जा रहा है। सिर्फ इतना ही नहीं, खुलासा तो यह भी हुआ है कि आरोपी मोहम्मद मोहनीश उर्फ आशीष गुप्ता और समीर उर्फ नरेश कुमार के पास से 2-2 आधार कार्ड मिले हैं, एक हिंदू और दूसरा मुस्लिम धर्म का ही है। देखिए, उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था पूरी ईमानदारी से अपना काम कर रही है और समाज का कोई भी, अगर समाज का जो है भाईचारा, समाज की एकता, समाज की अखंडता अगर बांटने की कोशिश करेगा, तोड़ने की कोशिश करेगा तो हमारी पुलिस प्रशासन सख्ती से उससे निपटती है। समाज में एकता बनी रहे, भयमुक्त माहौल रहे, अपराध मुक्त हमारा माहौल रहे, हम इस लक्ष्य के साथ योगी सरकार काम कर रही है। 2 दिन पहले माघ मेले में इस्लामिक साहित्य बेचने का मामला बीजेपी MLC निर्मला पासवान ने उठाया था, जिसके बाद पुलिस इन आरोपियों तक पहुंची। सवाल यह है कि उस संदिग्ध डायरी में क्या कई और राज हैं जिसके खुलासे से इस पूरे नेटवर्क की गिरेबान तक पहुंचा जा सकता है। आखिर दुबई में बैठा वो शख्स कौन है जो पूरे रैकेट को चला रहा है? क्या इस तरह के कई और मोहरे पूरे देश में धर्मांतरण गैंग ने फैला रखे हैं? ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नव भारत। तो ये आपने देख लिया कि किस तरह से इंटरनेशनल साजिश रची जा रही है, लेकिन क्यों, इस पर हम बात करते हैं और कुछ मेहमान हमारे साथ में मौजूद है। सबसे पहले आपका तारुफ उनसे करा देते हैं। विनोद बंसल हमारे साथ में मौजूद हैं, VHP के प्रवक्ता हैं, साथ में स्वामी चक्रपाणी महाराज हमारे साथ में हैं, धर्मगुरु हैं। इसके साथ ही माजिद हैदरी साहब वरिष्ठ पत्रकार हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं, जुड़े हुए हैं हमारे साथ में। जबरुल कादरी साहब इस्लामिक स्कॉलर हमारे साथ स्टूडियो में है और बिलाल खान साहब भी हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले कादरी साहब, ये इंटरनेशनल साजिश, मतलब जब भी कुछ त्योहार हो, हिंदुओं का कोई पर्व हो या फिर मेला हो, वहां पर ऐसी इंटरनेशनल साजिश का एक मामला सामने आ जाता है कि पहले भड़काया जाता है, उकसाया जाता है, बरगलाया जाता है, फिर हिंदू धर्म छोड़ने के लिए कहा जाता है, ऐसा क्यों होता है? देखिए मेरे अजीज, ये हिंदुस्तान बड़ा मजबूत, बड़ा ज्याला, बहुत सही है। हर धर्म के जो मेले होते हैं वहाँ हिंदू और मुसलमान सब मिलकर के आते हैं, उसका लुत्फ उठाते हैं और जो पूजा करने के होते हैं वो लोग पूजा करते हैं। जिस तरीके से इलाहाबाद प्रयागराज के अंदर ये बात समझ में आई कि वहाँ मुसलमान कुछ किताबें बेच रहे हैं, वाकई अगर किताबों के अंदर ये मवाद है, नफरती, बोग्ज, इनाद, हसद, टुकड़े टुकड़े करने वाला, तो ऐसी किताबों को नहीं बेचना चाहिए था। लेकिन अगर किताबों में कोई ऐसा मवाद नहीं है, अपना धार्मिक है, अगर धार्मिक किताबें हैं तो हिंदू मजहब के लोग अपनी किताबों में अपनी धार्मिक बातें लिखते हैं, मुसलमान अपनी किताबों में धार्मिक बातें लिखते हैं। अब रहा मसला ये कि इनके स्थल पर वहाँ किताबें बेचने के लिए क्यों पहुँचे, तो वो जिम्मेदारी ये भी बनती है कि जो वो उन दुकानों की जगह को अलाट करते हैं उनको भी देखना चाहिए था कि हम मुसलमान जब आ रहे हैं कि जाहिर सी बात है कि उसमें किताबें कैसी होंगी, बाद में ये बात बनेगी और बहुत
बहुत बड़ा इशू बनेगा तो उनको इजाजत नहीं देना चाहिए थी। अब आइए दूसरे रुख पर, मुस्लिम धर्म से संबंधित किताबें अगर बेच रहे हैं कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन उसमें हिंदू धर्म के ग्रंथों के जो श्लोक है उनकी परिभाषाएं अपने ढंग से बताकर, गलत बताकर फिर बता रहे हैं ये सारी चीजें, ये जो कोट किया जा रहा है इस वक्त स्क्रीन पर वो सब सामने है, ये क्यों? देखिए, मैंने यही कहा कि अगर इस तरीके से कोई भी मजहब वाला, चाहे वो हिंदू मजहब के मानने वाले हो या इस्लाम को मानने वाले हो, इस्लाम की गलत बातों को वो करने के बाद अगर प्रचार करते हैं तो ये भी गलत है। कोई मुसलमान हिंदू की किताबों में तखरीफ कर अगर उसको प्रचार करता है गलत, ये भी गलत है। हम किसी भी आस्था, किसी भी धर्म की आस्था पर किसी तरह की कोई भी चोट हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। बहुत अच्छी बात आपने कही, बहुत अच्छी बात आपने कही, नफरतों को खत्म करना। विनोद बंसल जी, विनोद बंसल जी, ये खुलासा हुआ कि ये किताबें फ्री में देते थे, फिर फोटो खींच लेते थे और जो मुख्य आरोपी है महमूद गाजी, वो फोटो किसी और को भेजता था अबू धाबी में, और ये सारी जानकारी ऐसे वहां तक पहुंचाई जाती थी, ये खुलासा हुआ। हम नहीं बोल रहे, ये पुलिस की तरफ से हुआ है, क्या कहेंगे? देखिए, इतना बड़ा खुलासा और इतनी बड़ी गिरफ्तारी और इतना बड़ा नेक्सस जिसके इंटरनेशनल तार जुड़े हुए हों, और उसके बावजूद भी आपके पैनल पर बैठा हुआ व्यक्ति को ये तकरीर करे कि हमारा इस्लाम ऐसा, हमारा इस्लाम ऐसा, ऐसा नहीं होना चाहिए, वैसा नहीं होना चाहिए। अरे तो आप अगर ऐसा हुआ तो, अगर ऐसा हुआ, अगर ऐसा हुआ तो तकरीर हो गई। कादरी जी सुनिए, ये थोड़ा सा आगे के लिए छोड़िए, पहले सबसे कमेंट लेना बहुत जरूरी है। अभी उन्होंने आपकी बात सुनी ना, बात कंप्लीट करें उसके बाद ही बात होगी। बंसल साहब देखिए, मैं कह रहा हूँ कि देखिए, इसमें अगर मगर और इफ्स एंड वर्ड्स का कोई गुंजाइश नहीं है। साफ साफ जब बीसीबी ने कह दिया इस बात को किस तरह से हमने पकड़ा है, और इन लोगों के इंटरनेशनल तार हैं, बाकायदा दुबई में बैठे हुए अपने आकाओं को फोटो भेजना, ये तो पूरा देशद्रोह है ना भाई साहब, ये कोई सिर्फ धर्मद्रोह नहीं है। और मैं एक और बात कहता हूँ, ये जो है ना कोई धर्म नहीं है, इस्लाम इज नॉट ए धर्म, इट इज ए रिलीजन, मजहब है, इसको मजहब कहना चाहिए। और इस मजहब के अंदर जिस तरह से विषभमन हो रहा है कुछ लोगों के द्वारा, इसके बारे में ये मौन धर जाते हैं। आप देखिए आखिरकार ये नुकसान किसका कर रहे हैं? आपको लग रहा है कि दो हिंदुओं को फंसाया और उनके दो आई कार्ड बनवाए, और दो आई कार्ड बना करके वो जो है बैरगुआ का भेष बदल के गए और जगह जगह जो है ना हिंदुओं का धर्मांतरण कर रहे हैं, और इनके मुंह में से एक शब्द नहीं निकल रहा। कमाल की बात है, यही है इस्लाम इनका क्या? नहीं, हालांकि बोल रहे हैं, थोड़ा बहुत इन्होंने बोला, थोड़ा बहुत तो साइड लिया। हो सकता है कि कुछ मजबूरी हो, जबरुल कादरी की हो सकता है कुछ मजबूरी, लेकिन कुछ तो बोला उन्होंने। हम और क्या कहें, पुलिस आपकी है, सारा चीज आपकी भी तो है, पुलिस आपकी भी तो है। हमने निंदा की है ना उसकी, कि अगर इस तरीके का कोई करते हैं वो गलत है। इनकी पुलिस नहीं है, आपको इजाजत वहाँ किताबें बेचने की नहीं देना चाहिए थी। आप प्रशासन मौजूद है, अच्छा ठीक है, वो आतंकवाद है, ये गलत है। आपको हर माजिद हैदरी के बाद किताब बेचने की इजाजत है, ठीक है, आप दोनों की बात हो गई। माजिद हैदरी सरकार की तरफ से दानिश आजाद मंत्री है यूपी सरकार के, और उन्होंने कहा है कि ऐसे किसी भी गैंग से सख्ती से निपटा जाएगा, और ये गलत है कि हिंदू मेलों में उन गरीब लोगों को टारगेट किया जा रहा है, बुजुर्ग लोगों को टारगेट किया जा रहा है, और उसके बाद ब्रेन वॉश किया जा रहा है। देखिए मांशु भाई, सबसे पहले तो मैं इस मंच पे आज माफी मांगना चाहूंगा हाथ जोड़ के, विनोद बंसल जी से भी जो, स्वामी जी से भी, क्योंकि जो धर्म परिवर्तन, जो जबरन परिवर्तन मुसलमान कर रहे हैं ना इस देश में, वो केवल यूपी में एक मेले में नहीं हो रहा, एक जहाज के अंदर हो रहा है। हमारे माननीय सांसद तेजस्वी सूर्या जी को धर्मांतर कराया जा रहा था, जबरन मुसलमान बनाया जा रहा था जहाज में, उन्हें दरवाजा खोलना पड़ा जहाज का, चलते जहाज का दरवाजा खोल दिया हमारे माननीय तेजस्वी सूर्या जी ने। अरे मैं कहता हूँ शुक्र है पायलट ने जहाज रोक दिया, वरना वो तो कूद जाते जहाज से नीचे, और जहाज भी कहीं किराया सुन जाता। इतना ज्यादा धर्म परिवर्तन हो रहा है देश में, मैं समझ नहीं पा रहा रो रहे क्या? तेजस्वी सूर्या जी जहाज का दरवाजा खोल दिया, उन्हें जहाज में मुसलमानों ने पकड़ लिया था, बोला था भाई जबरन धर्मांतर कर लो है? ये हालत है इस देश की, तेजस्वी सूर्या जी के जहाज की बात नहीं कर रहे। अच्छा, तब तक पानी पी लीजिए, आप अपने आंसुओं पे कंट्रोल कर लीजिए, उसके बाद में दोबारा आ जाऊंगा आपके पास। नहीं, आप बोलने लायक है ना, कंट्रोल करूंगा मैं तेजस्वी सूर्या जी के साथ, देखिए क्या होगा, जहाज का दरवाजा ऐसे नहीं खोलता। नाटकवाद नंबर वन, नहीं नाटक कहाँ कर रहा हूँ, अरे जबरन धर्मांतर करा रहे थे तेजस्वी जी का, कितना जुल्म हो रहा था उन पर, जहाज का दरवाजा धर्मांतर करा रहे थे, पुलिस को बताया छोड़ा है।
जब नंगे होंगे तो आदमी के पास बोलने को कोई बच्चा नहीं ना जी, फिर वो कुतल करता है, सब्जेक्ट से बात मारता है और इधर उधर की बात करके अपना अपना समय निकालता है। माजिद हैदरी, अगर पॉइंट टू पॉइंट आप बात नहीं करेंगे तो फिर आपको इंतजार करना होगा इस छोटी सी विंडो में, इस छोटी सी विंडो में आपको इंतजार करना होगा, पॉइंट टू पॉइंट बात नहीं करेंगे आप, है ना? ठीक है, स्वामी राजूदास, स्वामी राजूदास, स्वामी राजूदास, इसके पीछे आपको क्या लगता है ये जो हो रहा है, मेलों को टारगेट किया जा रहा है? मैं यहाँ से माजिद हैदरी भाई सुनिए, अब मैं आपको ऐसे ऐसे तो ये पानी नहीं पहुंचा सकता, लेकिन आप वहां पर पानी पी लीजिए, थोड़ा मुंह भी धो लीजिए, थोड़े आंसू आपके साफ हो जाएंगे, है ना? थोड़ा सा रुकिए राजू, हाँ स्वामी राजूदास, स्वामी जी की बात सुन लीजिए, स्वामी जी की बात सुन लीजिए, शांत हो जाओ बेटे, चिंता मत करो, शांत हो जाओ, हम सहिष्णु हैं इसीलिए तुम बोल पा रहे हो, हम सहिष्णु हैं इसीलिए तुम बोल पा रहे हो और रोकर हमारी मजाक उड़ा रहे हो, है ना? हम सहिष्णु हैं इसीलिए, देखिए ऐसे लोगों की मानसिकता ये दर्शाता है कि इनकी भाव क्या है, मानसिकता क्या है। जितने एक भाई और हंस रहे थे, जब ये रो रहे थे, ये कालनेमी वाला रूप दिखा रहे थे तो हंस रहे थे, है ना? जब इनकी कालनेमी वाली रूप थी ना हिंदुस्तान में तो हंस रहे थे। दुख इस बात की है, ऐसे मानसिकता, ऐसे कट्टरपंथी, ऐसा भाव, अभी इन्होंने प्रशासन को टारगेट किया कि प्रशासन क्या कर रही थी, प्रशासन तो जरा सा कुछ करता है तो आप लोग हाय तौबा चिल्लाने लगते हो, अरे भाई हिंदुस्तान मुसलमानों के रहने लायक नहीं है, ये चिल्लाने लगते हो, अरे भाई मुसलमानों के साथ योगी जी गांड पे लठ बजा रहे हैं। गलत बात नहीं, गलत बात नहीं, नहीं ये गलत गलत तरह के शब्दों का इस्तेमाल बिल्कुल यहाँ पर नहीं होगा, बिल्कुल भी नहीं, नहीं स्वामी, स्वामी जी माफी के साथ कह रहा हूँ, आपकी आवाज मेरे को यहाँ पर रोकनी पड़ेगी, और अगर इस तरह की अमर्यादित शब्दों का इस्तेमाल कोई भी करेगा तो यहाँ पर मैं उसे इस मंच पर मौका नहीं दूंगा, टाइम्स नाउ ऑफ भारत के मंच पर, कि वो अपनी बात रख सके। ये बिल्कुल बिल्कुल भी मैं यहाँ पर मौका नहीं दूंगा। बिलाल खान, बिलाल खान, एक बात मैं यहाँ पर कहना चाहता हूँ, जो तीन लोगों के बारे में बात की जाती है, तीन आरोपित, उसमें पहला महमूद हसन गाजी मुख्य आरोपित, मदरसे में टीचर है, संस्था पैगाम बहदानियत का अध्यक्ष है। दूसरा समीर उर्फ नरेश, हिंदू से मुस्लिम बना, कुछ वक्त पहले कौशाम्बी का रहने वाला। तीसरा मोहम्मद मोहनीश उर्फ आशीष गुप्ता, जो भी कुछ दिन पहले मुस्लिम धर्म अपनाया है, और ये सब लोग मिलकर ये कोशिश यहां पर कर रहे हैं, जो पुलिस की तरफ से आधिकारिक बयान सामने आया है। अब आप क्या कहेंगे इस पर, क्या ये इंटरनेशनल साजिश नहीं है, धर्मांतरण की कोशिश नहीं है, कैसे डिफेंड करेंगे? देखिए मैं ये कह रहा हूँ, जो आप बात कर रहे हैं कि यहाँ पर धर्मांतरण हो रहा है और इस तरीके से इन लोगों ने किताबों के अंदर गलत चीजें लिखी हैं, चाहे वो हिंदू मजहब के बारे में या हमारे मुस्लिम मजहब के बारे में कोई भी गलत टिप्पणी करता है तो हम उसका कभी भी समर्थन नहीं करेंगे, ना कहेंगे कि हम उसका उसको जस्टिफाई करेंगे। और पहली दूसरी बात मैं ये कहना चाहूंगा, आप लोगों को सुनिए, विनोद बंसल जी रुकिए एक मिनट, विनोद बंसल जी बीच में बोलने की आपकी आदत गई नहीं है, मैं अपने अपना वक्त तो पूरे कर लूं। देखिए आपको मालूम होगा देश कानून से चलता है, अगर आप वाकई में हिंदू की बात करते हैं या मुसलमानों की बात करते हैं तो कल जो आपके और हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं उनकी बात सुन लेते, जिन्होंने कहा है कि आप लोग, आप जैसे लोगों को टांगने का काम करेंगे वो आने वाले वक्त में, कि ना मुसलमान के ऊपर टिप्पणी करनी है, ना हिंदू के ऊपर टिप्पणी करनी है, ना इस देश में मूवियों के ऊपर टिप्पणी करनी है। उनकी बात अगर सुन लेते कान खोलकर तो आप यहाँ बैठकर हिंदू मुस्लिम की बात नहीं करते। अच्छा बिलाल भाई चलो ठीक है, पीएम मोदी की बात सुन लेंगे। बिलाल भाई सुनिए, बिलाल भाई सुनिए, अरे बिलाल खान सुनिए, बिलाल खान सुनिए, हम पीएम मोदी की बात मान लेंगे, सुनिए ना बिलाल खान, बिलाल खान पीएम मोदी की बात मान लेंगे, लेकिन पीएम मोदी की बात इस मौके पर बिल्कुल अलग होती है। आप ये देखिए ना कि यहाँ पर ठेले पर हिंदू धर्म के विरोध की किताबें बिक रही हैं, कम पढ़े लिखे बुजुर्ग महिला गरीबों को निशाना बनाया जा रहा है, फोन नंबर लेते थे, फोटो खींचते थे और फिर उनको बाहर भेजते थे। आपको बता, इजाजत सबको है, वो अपने अपने मजहब का प्रचार कर सकता है, चाहे वो हमारी, अरे अपने मजहब का प्रचार करिए, हमने कब मना किया है, लेकिन हिंदू श्लोकों का गलत अर्थ बताना, गलत बयानबाजी होती है तो वो गलत है, उसको जस्टिफाई यहाँ बैठे पैनल में कोई भी नहीं कर सकता। किसी के मजहब के बारे में गलत बोलना बिल्कुल गलत है, लेकिन अगर किताबों की बात है, कोई अपने इस्लाम को आगे लेके जाना चाहे हिंदू धर्म के बारे में अच्छा ही बता रहा है तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ये दो लोग जिन्होंने, ये दो लोग जिनको हिंदू धर्म से मुसलमान बनाया गया, इनका धर्मांतरण कराया गया, अब यही लोग दूसरों के लिए प्रचार कर रहे हैं तो ये क्या सिखाएंगे, ये क्या बताएंगे?
धर्मांतर करा दिया, कोई वो दूध नहीं पी रहा, वो कोई बच्चा नहीं, वो पागल नहीं है कि जबरदस्ती इस्लाम। और ऐसे ही गरीबों को बहला फुसला कर उनकी मजबूरी का फायदा उठाना, ये क्या है? मजबूरी का क्या फायदा उठाना है? कौन सा मजबूरी का? हिंदू मुस्लिम करने बैठे यहाँ पर, कौन मजबूरी है? कौन मजबूरी? नहीं, अच्छा मुझे ये बताइए, अच्छा बिलाल खान ये बताइए, आप एडवोकेट हैं, आप तो बहुत तर्क पर बात करते हैं, ये फोटो खींचकर दुबई भेजने का क्या मतलब है? अगर इस तरीके से फोटो भेज के दुबई भेज रहे हैं, गलत है, उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। अरे तो फिर खुलकर बोलिए गलत है, यहाँ पर भी आप एक तरफ डिफेंड कर रहे हैं। अगर मगर क्या? अरे भाई साहब, मैंने कहा अगर कोई फोटो खींच के हमारे हिंदुस्तान की को साजिश में ला रहा है, ये नहीं भाई साहब, क्लियर, देखिए कॉन्फिडेंस के साथ खुलकर बोलिए, जो गलत है वो गलत है। स्वामी चक्रपाणी बोलने की ताकत हमारे, स्वामी चक्रपाणी यहाँ पर बिलाल खान हो या फिर माजिद हैदरी हो, उनका यह कहना है कि हर किसी को अधिकार है, वो अपने धर्म का प्रचार प्रसार कर सकता है, फिर इतनी बंदिशें क्यों? आप क्या कहेंगे, जवाब क्या है? देखिए, माजिद हैदरी की बात को मैं सीरियस नहीं लेता, क्योंकि माजिद हैदरी ने बिलाल खान ने बोला था कि देख कर रहे थे जिस प्रकार से। देखिए, सवाल यह है कि आप जरा सोचिए कि माघ मेला जो हमारा परम पवित्र स्थान है, जहाँ पे पूरे देश और विश्व के सनातन धर्मी आते हैं अपनी आस्था को लेकर के, माँ गंगा के चरणों में बैठ करके, माँ गंगा यमुना सरस्वती संगम पे बैठ करके और अपनी आध्यात्मिक चिंतन करते हैं, वहां पे एक इस्लामिक प्रचार प्रसार करने आता है, इस्लामिक प्रचार प्रसार करने वाला आखिर घुस गया है, सबसे बड़ी बात ये है। दूसरी कैसे घुस गया? दूसरी बात, उसमें हिंदू सनातन के खिलाफ लिटरेचर बेच रहा है अपनी तरीके से बना करके फर्जी। दूसरी, उसकी जो पाप की डायरी है उसमें उन तमाम लोगों का वो है जिसको वो अपने विदेश के अकाउंट को भेजता है। आप जरा सोचिए कि पिछली बार एक जो कन्वर्टेड हिंदू था, जो मुस्लिम बन गया, कन्वर्टेड मुसलमान था, उसका इंटरव्यू आ रहा था कि वो गरीब था, लेकिन जैसे ही इस्लाम स्वीकार किया, उसको अमेरिका, इंग्लैंड और तमाम दुबई और हर जगह पूरे विश्व के करीबन 40 देश घूम लिया। आप जरा सोचिए कि आखिर फंड कौन कर रहा है इनको? बताइए, ये भी जो है, बोलिए बोलिए, पॉइंट टू पॉइंट बोलिएगा, पॉइंट टू पॉइंट बोलिएगा, जो सवाल है उसका जवाब दीजिएगा। जी बिल्कुल बिल्कुल, जो स्वामी जी ने जो तर्क रखे उन्हीं का उत्तर, देखिए जो माननीय स्वामी जी ने तर्क रखे उन्हीं का उत्तर दूंगा। हाँ। सबसे पहली चीज, हम हर धर्म का आदर करते हैं, हिंदू धर्म का बहुत ज्यादा आदर करते हैं, शिव जी का, राम जी का, कृष्ण जी का आदर करते हैं और आस्था रखते हैं, लेकिन बात यहाँ पे कि देश का संविधान आपको आपके धर्म का प्रचार करने की इजाजत देता है, मुसलमान को भी, हिंदू को भी, सिख को भी, ईसाई को भी, बुद्धिस्ट को भी, तो ये कहना कि मुसलमान प्रचार कर रहे हैं, सनातन का अपमान करेंगे भी मेघ मेला में, माघ मेला में, आप बताइए कि प्रचार करना और अपमान करना अलग होता है? जिस मक्का मदीना में हिंदू जा नहीं सकता, आप यहाँ पे प्रयाग में हमारा माघ मेला लगता है वहां पे जाके जहाँ रुक लेंगे, कैसी बातें करते हैं माधुरी साहब? अरे कैसे नहीं जाएगा, देखिए देखिए देखिए, यहाँ पे कैसे देखिए, मक्का मदीना में इस्लामिक कानून है, यहाँ तो हिंदू राष्ट्र नहीं है ना, हिंदू धर्म का कानून ही सेकुलर मुल्क है, सेकुलर राष्ट्र है, सेकुलर संविधान आपको मुझे कहीं जाने से नहीं रोकता कि आप हमारी मस्जिद में नहीं आ सकते, मैं आपके मंदिर भी नहीं, आज आप दीवार अच्छा ठीक है स्वामी जी, नई दीवार खड़ी करें। अच्छा माजिद हैदरी, आपने कहा कि भारत में संविधान है, माजिद हैदरी आपने कहा भारत में संविधान है और हर किसी को अपने धर्म का प्रचार करने की इजाजत है, मैं मानता हूं, अच्छी बात है, आप प्रचार करिए, लेकिन जो तथ्य सामने आ रहे कि आर्थिक मदद का लालच देकर धर्मांतरण कराते थे, ये मैं थोड़ी ना कह रहा हूं, ये तो जांच में आया है, इसकी भी इजाजत मिली है क्या संविधान में? देखिए देखिए, बात सुनिए, देखिए जब आप जांच की बात सुनते हैं ना तो आप तर्क सुनिए, अभी तक इस देश में जितने भी ये धर्म परिवर्तन हो रहे हैं ना, उसमें सबसे ज्यादा जो बेनिफिट है 40% हिंदू भाइयों को हो रहा है, कैनेडा में रेकॉर्ड है इसका, तो जो अच्छा मतलब चित्त भी आपकी है, पट्ट भी आपका है और सिक्का आपका खानदानी चला रहा है ना? नहीं, आप अपना प्रचार करिए, लेकिन किसी के मेले में जाके बरगलाना, किसी को, किसी का धर्मांतरण करने के लिए उसको लालच की पेशकश करना, ये कहां तक सही है भाई? गलत है तो गलत बोलिए। विनोद बंसल इनको बनाना, इनको गजवा हिंद 2047 तक बनाना है, इसलिए उस मिशन पे काम कर रहे हैं, इनको गजवा हिंद बनाना है। विनोद बंसल, एक मिनट, इनको ठेका दे दी गई है। विनोद बंसल,
मानसु जी प्रचार और दुष्प्रचार में बहुत अंतर है। आप तो भर और धर्म और अधर्म में बहुत अंतर है। लाइए विनोद बंसल को सामने लाइए, माधव यादव को ले आइए। अगर ये समझ जाए तो मुझे लगता है कि ये जो ना जिसको ये प्रचार कर रहे हैं वो दुष्प्रचार के अंतर्गत आता है। और आप अगर किसी भी रिलीजन का अपमान करोगे तो देश का संविधान उसको अलाउ नहीं करेगा। ये कोई मक्का मदीना नहीं है जहाँ पर किसी इस्लाम का प्रचार कर सकते हैं, बाकी का नहीं। लेकिन मुझे बताइए कि आखिरकार ये जो ना आप अपना प्रचार करने के लिए आजादी है, लेकिन इसका मतलब हमारे बारे में दुष्प्रचार तो नहीं कर सकते ना। हमारी धार्मिक मान्यताओं को ठेस कैसे पहुंचा सकते हो भाई? ये बताइए कि आप एक तरफ तो अल्पसंख्यक कहते हो और एक दूसरा अल्पसंख्यक के नाम पर जो है ना आप बहुसंख्यकों के हितों का उल्लंघन कर रहे हो, उनके उनके धर्म पर कुठाराघात कर रहे हो, ये तो नहीं चलेगा ना भैया। आप बताइए कि आखिरकार हिंदू धर्म की जो सहिष्णुता है उसको भीरुता नहीं समझी जाए। ठीक है, मैं कह रहा हूँ देखिए ये जो है ना प्रयागराज का जो पवित्र स्थल है वो पवित्र स्थल में जो है पवित्रता बरकरार रखना सबका दायित्व है। और आप धर्म प्रचार के लिए और कोई जगह नहीं बची। और दूसरी बात धर्म प्रचार नहीं है, ये तो दुष्प्रचार कुप्रचार है। आप हिंदू आस्थाओं का अपमान करोगे और वो भी पवित्र माघ मेले में, ये हिंदू समाज कैसे स्वीकार करेगा भाई? जवाब ले लेते हैं। कब तक आप हमारे धर्म के परिचय लेते रहोगे? विनोद बंसल जवाब ले लेते हैं प्लीज। और हिंदू मुसलमान कहीं भी जा सकते हैं, ये आप बीच में दीवार नहीं लगे कि वो पवित्र जगह है तो वहाँ मुसलमान नहीं जा सकते, वो पवित्र जगह है हिंदू नहीं जा सकते। अरे तो जाइए कायदे में जाइए ना भाई, हिंदू भी रहता है मुसलमान भी रहता है। आज अब नया खरीदारी करोगे आप अगर जा सकते हो रोकने वाले पहली बार नहीं, हम तो नहीं होते कोई। अच्छा सुनिए हम तो नहीं होते रोकने वाले, लेकिन कुछ गलत अगर कुछ होता है तो फिर पुलिस वहां पर एक्शन लेती है। और जब पुलिस एक्शन लेती है तो उसको ये कह दिया जाता है कि यहाँ पर टारगेट किया जा रहा है। ये सच है कि नहीं है बिलाल खान? तो पुलिस कभी बिलाल खान एक मिनट सुनिए देखिए, विनोद बंसल जी ने बहुत अच्छी तरीके से इसको घुमाने की कोशिश करी कि हमारा अपमान हुआ। इनको जब शर्म नहीं आई जब नरसिम्हा सरस्वती लगातार हमारे धर्म के बारे में हमारे नबी के बारे में, चाहे आपने देखा हो नुपुर शर्मा ने किस तरीके से देश में आग लगाने का काम किया, इन लोगों की आवाज नहीं लगी क्योंकि चौधरी सपोर्ट करने बैठा था। बिलाल खान एक बात मैं आपको बोलना चाहता हूँ कि नुपुर शर्मा वाले मामले में हर जगह स्पष्ट तौर पर कहा गया कि उन्होंने गलत कहा, लेकिन आप लोग खुलकर नहीं कह पाते ना जो गलत है, जो गलत है उसको गलत कहना सीखिए। राजू दास मैं आपको बोलने दूंगा लेकिन एक भी गलत शब्द का इस्तेमाल आप नहीं करेंगे, एक भी गलत शब्द का इस्तेमाल नहीं करेंगे स्वामी राजू दास। आप छोटे पढ़ने चाहिए इनके, एक स्वामी दास जैसे लोगों पर नफरत। स्वामी राजू दास आप एक भी गलत शब्द का इस्तेमाल नहीं करेंगे, फिर अपनी बात रखिए। जिस प्रकार से बोल रहे तो तत्काल देख लीजिए, एक तरफ तो संविधान की बात इन लोगों ने किया, लेकिन जब वक्त आती है संविधान से करने का उस संविधान पे चलने का तो तुरंत इनकार कर जाते हैं, तुरंत किनारा कस लेते हैं। आप देखिए वह तीर्थ स्थल जो प्रयागराज में है, सनातन कुंभ लगा हुआ है, साधु संतों की मेला है, 100% हिंदू जनमानस है, उस पे धर्म की प्रचार के लिए आपकी आवाज में कुछ डिस्टर्बेंस आ रहा है। मैं दोबारा से आता हूँ राजदास जी आपके पास आता हूँ, जबरुल कादरी साहब, मेरा बस ये कहना है और यहाँ पर जितने भी है पैनलिस्ट, देखिए माजिद हैदरी ने भी वही बात बोली, बिलाल खान ने भी वही बात बोली और बाकी लोग भी बोल रहे हैं कि आपको धर्म का प्रचार करना है आप करिए, लेकिन आप ऐसी जगह को चुनते हैं जहां पर एक पवन पवित्र मेला चल रहा है और वहां पर आप गलत जानकारी देते हैं, वहां पर आप गलत तरीके से वहां पर अपना प्रचार करते हैं लेकिन सामने वाले धर्म को गलत बताते हैं। तो ये आप लोग क्यों नहीं खुल के सामने आते कि ऐसा भाई मत करो? एक मुझे दो मिनट दें आप खामोशी के साथ। अब आपके पास आया हूं, दो मिनट आपको दिए। देखिए बंसल साहब या दूसरे वो जो बैठे हुए हैं, वो मैं ये कहूंगा कि जबान पवित्र हो, ये पूरी दुनिया देख रही है, इतने बड़े बाबा होने के बाद इतनी गलत बात अपनी जबान से निकालेंगे तो गलत है। आपने बोला, थैंक यू। दूसरी चीज ये है कि हमने बारहा
चाहे कोई हमारे ऊपर इल्जाम लगाए या ना लगाए, हमने गलत बातों की हमेशा निंदा की है, उसको खारिज किया है और उस पर पाबंदी लगाने की भी हद तक इम्कान कोशिश की है। लेकिन इस स्टैंड पैनल पे जो ये धर्म गुरु या विरोध बंसल जी जैसे लोग बैठे हैं, इन्होंने कभी आगे आने के बाद कादरी साहब एक बात बता दो, मुसलमान क्यों आ गया? अच्छा, मुसलमान को नहीं आना चाहिए था? अरे ये देश मुसलमानों का स्वागत है भाई, सींचा है सबने, बहुत अच्छी बात है, हर जगह जा सकता है, कहीं भी आ सकता है, लेकिन हाँ नफरत ना हो। अच्छा ठीक है, ये अच्छी बात है, इनाद ना हो। अच्छा कादरी साहब मेरे को एक बात बताइए, अगर कोई गलत काम करता है तो आप लोग फतवा जारी करते हैं, आप लोग एकजुट होकर उसका विरोध करते हैं, तो ये भी तो गलत है ना आपकी नजर में? तो ऐसे लोगों पर फतवा जारी करिए, इस तरीके से अगर हो रहा है मेले के अंदर गलत है। अरे तो ये बोल रहे हैं, ये बोल रहे हैं आप, ये बोल रहे हैं, एक्शन क्या है आप लोगों की तरफ से, आपके संगठन की तरफ से, आपके संगठन की तरफ से? अगर अभी ट्रेन में जाते हुए मुरादाबाद हापुड़ से एक मुसलमान को पीट पीट कर मार दिया गया, किसी का नहीं था, मारने वाली बात नहीं, छेड़छाड़ का मामला सामने आया था, गलत एंगल मत दीजिए, छेड़छाड़ का मामला सामने आया था, इसलिए मुसलमान था इसलिए पीट दिया गया। अच्छा ये गलत जानकारी नहीं, उसमें स्पष्ट तौर पर आया था छेड़छाड़ का वो मामला था और बकायदा इसलिए एफआईआर में जानकारी लगाया गया, जब विरोध हुआ पहले नहीं था भाई, बाद में बयान दिया गया, आंकड़ों में एफआईआर में आप लोगों दिखा रहे हैं, उसके बाद आप बोल रहे हैं उसको गलत साबित करने के लिए। ठीक है, मतलब वही होता है ना कि अगर कुछ हुआ तो आपके लिए वो गलत है, आपके लिए वो गलत है, अगर यही तो ये विक्टिम कार्ड नहीं तो और क्या है? लड़की को छेड़ा और अगर उसने ऐसी बुरी बात की है तो काबिले सज़ा है, और अगर नहीं किया तो ये भी उसके साथ गलत है। बाद में अगर पुलिस ने बयान दिया कि उसने छेड़ा, अगर ऐसा किया तो उसने गलत किया। ठीक है स्वामी चक्रपाणी, अच्छा ये बताइए, देखिए बहुत एक मिनट, स्वामी चक्रपाणी मेरे को एक बात बताइए, ऐसे बहुत सारे लोग होंगे देखिए, जैसे क्योंकि यहाँ पर जब बात हुई थी, ये दो आरोपित देखिए, जो तीन आरोपित में से दो आरोपित हैं, समीर उर्फ नरेश कुमार कुछ वक्त पहले हिंदू से मुसलमान बना, और उसके बाद मोहम्मद मोहनीश उर्फ आशीष गुप्ता, ये भी कुछ दिनों पहले हिंदू से मुसलमान बना। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो ऐसी छोटी छोटी जगह पर, अलग अलग जगह पर कोशिश कर रहे हैं और धर्म परिवर्तन कराने की कोशिश कर रहे हैं, कैसे बचा जाएगा इन लोगों से? कोई प्लान है आपके पास, सुझाव है आपके पास? बाकी फिर मैं इनसे लूंगा मैं जवाब। माजिद भाई देखिए, समाज और सरकार दोनों को जागरूक होना पड़ेगा। सरकार को भी, एक तो सबसे बड़े स्थानीय वो कौन सी एजेंसियां है जो इन लोगों को, जिहादी मानसिकता के लोगों को माघ मेला में घुसने की इजाजत दिया? सवाल है कि कई ऐसे धार्मिक संस्थाने हैं जिनको नहीं मिलती, इनको कैसे मिल गई भाई? जहाँ पे हिंदू सनातन धर्म के खिलाफ वहां पे जहर उगला जा रहा है, ऐसे नफरती किताब बांटे जा रहे हैं, उनको ये मिल गया। हम आप बताओ कि कोई हिंदू मक्का मदीना जाना चाहे तो उसको इजाजत नहीं, अंदर घुस जाएगा, फांसी की सजा हो जाएगी, यहाँ पे कैसे घुस जा रहे हैं? तो ये सवाल इस बात का है कि सरकार को ऐसे नियम बनाने पड़ेगा कि हमारे जो धार्मिक क्षेत्र है उसमें किसी भी तरीके से मैप दिखा रहे हैं पाकिस्तान, दुबई, इंडोनेशिया, कहां कहां जाके सूत्र मिल रहे थे कि कहां से ये तैयारी, कहां से प्लानिंग की जा रही है? तस्वीर दिखा रहे हैं, पाकिस्तान, इंडोनेशिया, कानपुर धर्मांतरण मामला, पाकिस्तान कानपुर धर्मांतरण मामला, दुबई प्रयागराज, ये धर्मांतरण मामला, उसके बाद वो बोलते नहीं ऐसा कुछ नहीं हो रहा, गलत हो रहा है, हम तो अपना प्रचार कर रहे थे। प्रचार करिए, दूसरों की बुराई क्यों कर रहे हैं? और जो गलत है उसको गलत कहना सीखिए, जो सही है उसको